हिस्टोरिकल नॉर्थ ब्रिज हम लोग आ चुके हैं, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। यहाँ पर ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं उनको 1775 में व्हेन दे केम टू नो दैट दी रिवॉल्यूशनरी फोर्स दे आर गैदरिंग अ लॉट ऑफ आर्म्स एंड मेकिंग अ स्टॉक पाइल ऑफ आर्म्स इन कॉनकॉर्ड, दे डिसाइडेड टू मार्च अहेड फ्रॉम बॉस्टन एंड कैप्चर ऑल दी आर्म्स दैट दी रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस हैव गैदर्ड। सो दे स्टार्टेड फ्रॉम बॉस्टन एंड पॉल रिवियर the leader of the revolutionary forces, he came to know about it and then his historical march towards Lexington Concord, uske baad Lexington Green ka battle hua, uske baad usi din same day I think it's 19th April 1775 most likely, subah 5 baje Lexington Battle Green ka battle hua, uske baad yahan par दिन में नॉर्थ ब्रिज में अगेन द फोर्सेस क्लैश्ड एंड दिस ब्रिज इज ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वेयर द बैटल टुक प्लेस। सो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, कैमरा घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्थ ब्रिज और उसके सराउंडिंग एरिया। The North Bridge was rebuilt four times after the initial construction in 1775. और अभी जो ब्रिज है ये 1956 में बनाया गया था, but the old style has been retained. So ये देखने में बिल्कुल वैसा ही है जो इनिशियल ब्रिज था। जैसे आप देख सकते हैं दूर हम लोग अभी ब्रिज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। So the bridge is over the Concord River और ब्रिज के साथ यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट भी है और एक मिनिटमैन स्टैचू है टू कोमेमोरेट द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन। ये मॉन्यूमेंट और जो मिनिटमैन स्टैचू है ये बनाया गया था इन 1875, सो 100 ईयर्स आफ्टर द एक्चुअल इवेंट। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं इसको देखने, यहाँ पर जैसे आज काफ़ी लोग आए हुए हैं, इनफैक्ट कोई गाइडेड टूर भी चल रहा है। और इसी जगह पे US प्रेसिडेंट इन 1975 जब 200 ईयर कंप्लीट हुआ इस हिस्टोरिक इवेंट का, सो यहाँ पर ही विजिटेड एंड गेव अ स्पीच एंड अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड हियर। दैट्स व्हाट आई फाउंड व्हाइल स्टडीइंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री। बैटल ग्रीन लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड नॉर्थ ब्रिज ये दो मेन जगह हैं जहाँ पर बैटल हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिवर के दोनों साइड में काफ़ी जगह छोड़ा हुआ है बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ द मिनिटमैन नेशनल पार्क। यही मॉन्यूमेंट है जो 1875 में बनाया गया था टू कोमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट, और एक स्टैचू है हम वो भी देखने जाएंगे। सो ओवरऑल इस जगह का नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ही अच्छा है। सो अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्स जस्ट टू एन्जॉय द प्लेस एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर आ सकते हैं। जो ब्रिटिश सोल्जर्स, तीन ब्रिटिश सोल्जर्स का यहाँ पर डेथ हुआ था ड्यूरिंग द बैटल, सो उनके मेमोरी में एक यहाँ पर ग्रेव स्टोन है। आई डोंट नो द एक्चुअल ग्रेव्स आर हियर और नॉट, बट एटलीस्ट अ स्टोन इज देयर टू कोमेमोरेट देयर डेथ in the battle, first battle. And there is one more house, Emerson house, which is also very near this bridge, in fact just across the bridge on the other side. It's basically the house of Emerson, who was one of the leading member of the independence revolutionary force. एक म्यूज़ियम है जो हम देख नहीं पाए क्योंकि शाम हो चुका था, जैसे ऑलमोस्ट सनसेट टाइम है, बट किसी दिन आके जब दिन में टाइम होगा हम लोग देखेंगे। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ एग्जिबिट्स टू डिस्प्ले एंड एग्जिबिट्स विल बी मोस्टली अराउंड अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर, सो वो भी हमें एक दिन देखना पड़ेगा। एंड एक स्टैचू है ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, दैट स्टैचू इज
called Minuteman statue. Now this Minuteman name is kind of interesting. The soldiers of the Revolutionary Force, they were called Minuteman, and the reason is that they were able to get ready for a battle within a minute. So unko Minuteman kaha jata tha. New England mein kai bar you will see Minuteman National Park, a Minuteman statue, and many other things named after Minuteman, even Minuteman Library Network. And again, the Minuteman name came from the Minuteman soldiers who fought for independence, fought with the British forces. And this is the statue that was erected in 1875, after 100 years of the original event. So, ye statue dekhke hum log wapas jayenge. Overall, hum logon ne dekh liya hai jo jagah hum is bar cover nahi kar paaye, that is the Emerson House Museum. But bahar se abhi hum log jab wapas jayenge, Emerson House ek bar hum log bahar se zarur dekh lenge, aur uske baad this will be the end of our current vlog. आगे हम लोग मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, किसी और जगह पर. आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए गुड बाय.